अब हम डिस्कस करेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज कैलकुलेटेड एज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस जो होता है उसका स्क्वायर रूट होता है। अब वेरिएंस क्या होता है यह डिस्कस करते हैं। वेरिएंस क्या होता है, जी द वेरिएंस इज अ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी को मेजर करना वेरिएंस कहलाता है। इट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन। मीन वैल्यू से जो भी हम जो डेविएशन होता है उस डेविएशन की वैल्यूज का स्क्वायर करने के बाद ये जो वेरिएंस है वो काउंट किया जाता है। इसके बाद है जी डेविएशन क्या होता है। द डेविएशन इज द मेजर दैट इज यूज्ड टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल आप जब ग्राफ्स के रिलेटेड काम कर रहे होते हैं तो ग्राफ्स में आप जब ग्राफ ड्रॉ कर रहे होते हैं तो आपने एक वैल्यू एक्सपेक्ट की होती है ऑन द बेसिस ऑफ डाटा। जब आप उस डाटा को यूज करते हुए वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो वो वैल्यू डिफरेंट आती है, तो एक्सपेक्टेड और जो ऑब्टेंड वैल्यू है उसका डिफरेंस जो होता है वो डेविएशन कहलाता है। द डेविएशन इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट। डेविएशन जो है वो सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस होता है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू और मीन क्या होता है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज द रिजल्ट व्हाट यू गेट इन रियल टाइम। मीन इज द एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज। मीन होता है उन तमाम वैल्यूज का एवरेज। ऑब्जर्व्ड वैल्यू वो वैल्यूज होती हैं जो रियल टाइम में आपके पास आती हैं। मीन क्या होता है, मीन होता है एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज। आपको ये डेफिनेशंस पढ़ के पता लग गया होगा स्टैंडर्ड डेविएशन की, वेरिएंस की, डेविएशन की, ऑब्जर्व्ड वैल्यू और मीन की, कि हम स्टैट्स की तरफ जा रहे हैं। तो एक्सेल में स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले वेरिएंस चाहिए होता है, वेरिएंस से हमें डेविएशन की ज़रूरत होती है, डेविएशन से हमें मीन फाइंड करना होता है, उसके बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स गेट इन टू प्रैक्टिकल मोड। अब हम फाइंड करते हैं कि किस तरीके से हम जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास इंडेक्स है और ये स्कोर्स हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है, ये स्कोर का सम फाइंड करना है। सम फाइंड करने के लिए हमारे पास जो दो मेथड्स हैं वो ये हैं कि आप जिस सेल में आपने सम करना है उस सेल में आप क्लिक करें, उसको सेलेक्ट करने के बाद आप ऑटो सम पे क्लिक करें और एंटर प्रेस करेंगे तो उस कॉलम में मौजूद जितनी उस सेल से पहले पहले एंट्रीज होंगी वो तमाम का सम जो है वो उस सेल में आ जाएगा। अगर हम इससे नहीं करना चाहते तो एक और मेथड है जिसके ज़रिए से आप करते हैं, इक्वल टू सम ड्रैग डाउन ऑल दीज वैल्यूज ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर, तो ये हमारे पास सम ऑफ दीज वैल्यूज आ जाएगा। अब हमने नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट करनी है कितनी है, तो फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू काउंट ये तमाम की तमाम क्वांटिटीज ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ क्वांटिटीज आ जाएगा। उसके बाद अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने मीन वैल्यू फाइंड करनी है। मीन वैल्यू फाइंड करने के दो मेथड हैं। एक मेथड ये है कि आप सम ऑफ दिस स्कोर को नंबर ऑफ क्वांटिटीज पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास मीन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इक्वल टू दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय काउंट्स इक्वल्स मीन। अगर इस तरीके से नहीं फाइंड करना चाहते, एक और मेथड है, हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू एवरेज एवरेज ऑफ ऑल दीज क्वांटिटीज एंटर, तो ये हमारा मीन आ जाएगा। मीन के बाद अब हमने डेविएशन फाइंड करना है। डेविएशन क्या होता है, डेविएशन होता है डिफरेंस बिटवीन ऑब्टेंड वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये तमाम जो स्कोर्स हैं हमारे पास, ये तमाम के तमाम जो हैं ये ऑब्टेंड वैल्यूज हैं और एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो मीन की वैल्यू हमारे पास जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू है। अब डेविएशन का फार्मूला क्या है, इक्वल ऑब्टेंड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू। इस वैल्यू को मैं फ्रीज कर देता हूँ या लॉक कर देता हूँ, उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ये डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं ड्रैग डाउन करता हूँ सेम फार्मूला के साथ तो ये तमाम के तमाम मेरे पास वैल्यूज डेविएशन की आ जाएंगी। इसके बाद सम करना है इन वैल्यूज का, तो ये आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ क्वान्टिटी सेम ही है। डेविएशन का स्क्वेयर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास मेथड है इक्वल दिस वैल्यू और इसका हमने स्क्वेयर करना है, तो ये जो हेड सा साइन है इसको हम पुश करेंगे की को और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको टू के साथ, तो ये हमारे पास स्क्वेयर आ जाएगा। हमने यहाँ पे ये नहीं करना कि इक्वल टू दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय टू, ये वैल्यू जो है ये मल्टीप्लीकेशन है इस वैल्यू की टू के साथ, हमें इस वैल्यू का स्क्वेयर चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू 11.7 सेल एड्रेस
एंड स्क्वेयर बाय टू, तो ये हमारे पास इस वैल्यू का स्क्वेयर आ जाएगा। स्क्वेयर और मल्टीप्लीकेशन में डिफरेंस है। इसको मैं ड्रैग डाउन करूंगा तो ये मेरे पास तमाम वैल्यूज की डेविएशन का स्क्वेयर आ जाएगा। इसको सम करेंगे, या तो आप इसको यहां से ड्रैग कर लें तो भी वही वैल्यू आएगी, अगर यहां पे रख के आप ऑटो सम करना चाहते हैं तब भी सेम आंसर ही आएगा, सेम वैल्यू। अच्छा जी, अब वेरियंस फाइंड करना है। वेरियंस कैसे फाइंड किया जाता है? वेरियंस जो है वो हमारे पास काउंट करने का मेथड है इक्वल टू सम ऑफ स्क्वेयर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय ब्रैकेट नंबर ऑफ काउंट्स माइनस वन। एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा वेरियंस। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो वेरियंस का 0.5 टाइम पावर होती है। तो क्या करेंगे, इक्वल टू दिस वैल्यू पावर 0.5। एंटर प्रेस करेंगे तो ये जो हमारे पास 11.614649 जो है वैल्यू, ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है। ये वो मेथड है जिसके जरिए से हम स्टेप बाय स्टेप वैल्यूज का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं।